हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर, और ये सेट बी का पेपर है, देख सकते हैं आप। और यदि आपका कोई दूसरा सेट है तो उसका सॉल्यूशन सेम नहीं होगा, हालांकि क्वेश्चन सेम हो सकते हैं कुछ, लेकिन यदि सेट बी है आप तब पूरा आप लिख सकते हैं इसको। चलिए हम शुरू करते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन, और 9वीं की वार्षिक परीक्षा का एक पेपर है ओरिजिनल पेपर, तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। सेक्शन ए है आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, सभी क्वेश्चन के आंसर आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फुल, ठीक है, आप देख सकते हैं ये। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आंसर नंबर 2 क्वेश्चन का, दूसरे का आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो हो जाएगा ये आंसर, इसका ये, और क्वेश्चन नंबर 4th का इसमें आप उसमें ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th का हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd का यानी 10 आपको करने थे इसमें से, तो देख सकते हैं आप डॉक्टर, फाल्स, जज, पुअर, दीपावली, ये हो जाएंगे इनके आंसर। और आपको यानी 10 करने थे तो इसमें सभी कर दिए, तो आप 10 कर लीजिए कोई भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th यानी 5 आपको करना है इसमें से, तो देख सकते हैं आप इसके आंसर। यहाँ पर लिखे इसका 1 हो जाएगा पहले का, इसका ये वाला हो जाएगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इस प्रकार से आप लिख लीजिए सभी के आंसर। और इसका ये हो जाएगा, इसका ये, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए। 5 करने हैं कोई 5, एनी क्वेश्चन नंबर 5, एनी 5 करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो 5 कर दिए हैं आप, कोई भी कर लीजिए। सेक्शन बी देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर आप देखते जाइए, सभी को जल्दी से लिखते जाइए आंसर। ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 नोट मेकिंग एंड समरी। अब आगे हम देखेंगे, देखिए 7वें में एक वो था आपके पैसेज, उसका आंसर ये। अब नोट मेकिंग एंड समरी भी आएगी आगे। सेक्शन सी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, एप्लीकेशन लिखनी थी, आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है और वाला हम इसमें कर रहे हैं, इस लेटर का आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिख दिया है ऐसे। इस प्रकार से आप लिखते जाइए पूरे निबंध को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 बाद में है, अभी आएगा आंसर उसका भी, पहले 12 कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, नोट्स मेकिंग एंड समरी है, इसमें नोट्स बना दिए हैं जो आपका पैराग्राफ था उसके समरी भी लिख दी। सेक्शन डी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो इस प्रकार से आप लिख लीजिए सभी के आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, और 15 के इस प्रकार से लिख लेंगे। 15 में पहला और थर्ड, यानी कि इसमें 5 करने थे तो हमने फर्स्ट वाला किया और थर्ड वाला, और आगे देखते हैं 5th वाला, 6th वाला, और इस प्रकार से कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर आप देख सकते हैं, इसमें भी कोई 4 ही करने थे, नहीं इसमें 3 करने थे, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 ही कर दिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें जो जो क्वेश्चन हैं वो कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एनी 5 करनी है इसमें से, तो एनी 5 है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर हो चुका है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन पहुंच करके लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बाकी के सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन डल चुके हैं, चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं।